कौन बनेगा करोड़पति 14 के मंच पर अमिताभ बच्चन अक्सर शो के कंटेस्टेंट संग बातचीत में कई अनसुने किस्से सुनाते हैं। कभी खुद की तो कभी अपने परिवार से जुड़ी दिलचस्प कहानियां बताते हैं। लेकिन इस बार बिग बी ने केबीसी के मंच पर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के बारे में बात करते हुए उनके संघर्षों और सफलता को याद किया। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के पति और अभिनेता सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के सफल खिलाड़ियों में से एक रहे। केबीसी 14 के हालिया एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने उन्हें याद करते हुए उनके एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिसने उनकी आगे बढ़ती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन मंसूर अली खान की जिद और उनके जुनून ने उन्हें रुकने नहीं दिया। मंसूर अली खान के बारे में बताते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं आपको एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपने एक आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह से खो दी थी। उन्हें गाड़ी चलाने में, यहां तक कि पानी का ग्लास भरने में भी दिक्कत होती थी। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें लगा कि शायद उनका क्रिकेट करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने हालातों को, अपने खेल को और सबसे ज्यादा अपनी सोच को चैलेंज किया, एक चुनौती दी और खुद को इस काबिल बनाया कि वो दोबारा क्रिकेट खेल सके। बिग बी ने आगे कहा, इसका परिणाम ये हुआ कि उस एक्सीडेंट के सिर्फ 6 महीने के बाद ही वह अपने समय के भारत के यंगेस्ट कैप्टन बनाए गए और उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार विदेशी धरती पर एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती। उस क्रिकेटर का नाम था मंसूर अली खान पटौदी। देवियों और सज्जनों, मंसूर अली खान पटौदी ने दुनिया को ये बता दिया कि अगर आप अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य को देख सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं रख सकती है।